जिस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप आदम या आदिदेव शंकर के द्वारा यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, उसको तो अविनाशी जान। इस अव्यय पुरुष शंकर का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। जिस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप आदम या आदिदेव शंकर के द्वारा यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, उसको तो अविनाशी जान। इस अव्यय पुरुष शंकर का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। अविनाशी उसे जान जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। नीम का बीज है वो सारे वृक्ष में व्याप्त है या नहीं है? ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता है उससे सारा संसार पैदा हुआ है। इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज नहीं होती। क्या कहा? क्या? इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज, और चीजों में सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है पांच तत्वों से बना हुआ मनुष्य का शरीर। बता दिया, कोई मनुष्य मात्र का शरीर ऐसी चीज नहीं है जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहे। फिर बोल दिया, सदा कायम इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। और बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को। इसका मतलब कोई तो है आत्मा जो इस सृष्टि पर शरीर धारण करते हुए भी जिसको काल नहीं खाता, उसका नाम ही है कालों का काल महाकाल। जिसको कोई काल खा नहीं सकता वो सारी दुनिया को खा जाएगा, परंतु उसको महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय कोई नहीं है जो उसका विनाश कर तुम अरहसी, गीता में आया, जो उसका विनाश करने में सक्षम हो। अभी समझ में आया? पांच तत्वों का, जड़ तत्वों का संघात है, उन जड़ तत्वों में भी जो सार रूप तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता, सार माने बीज, वो है इस मनुष्य सृष्टि का वो बीज जिसका शरीर कभी नष्ट नहीं होता। और सभी मनुष्य आत्माओं के शरीर नष्ट हो जाते हैं, वो शरीर रूपी रथ कभी नष्ट नहीं होता। क्यों नहीं नष्ट होता? क्योंकि जो ऊंचते ऊंचा आत्मा है सभी आत्माओं का बेहद का बाप, जो त्रिकालदर्शी कहा जाता है, वो उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है।
किसमें? आत्मा में या रथ में? है, रथ में प्रवेश हुआ।